तो दोस्तों आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं बिहार के भाई फेमस स्टेडियम मोइनुलहक स्टेडियम के बारे में, जो कि भाई भारत का भाई सबसे घटिया स्टेडियम है दोस्तों। जहां पे भाई ना बैठने की सुविधा है, ना भाई कमेंट्री की सुविधा है, ना स्कोर बोर्ड की सुविधा है भाई। और भाई यार जंगल झाड़ है दोस्तों भाई, जहां पे अगर मैच होता ना हो तो भाई वहां पे भाई भैंस चढ़ता है, चाहे भाई बकरी चढ़ता है दोस्तों, चाहे भाई रात में यार भाई कुछ पियक्कर लोग यार वहां पे भाई दारू पीने जाते हैं, भाई पिकनिक मनाने जाते हैं दोस्तों, चाहे भाई यार सुबह यार वहां के स्टाफ सब नहाते तो भाई वही स्टेडियम में भाई कपड़ा फैलाते हैं दोस्तों। बिहार का भाई यार इकलौता डोमेस्टिक स्टेडियम है भाई मोइनुलहक स्टेडियम। 1996 में भाई यार यहाँ पे भाई वर्ल्ड कप का मैच हुआ था दोस्तों पाकिस्तान का भाई। यहाँ भाई पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भाई इमरान खान यार मैच खेलने आए हैं दोस्तों भाई मोइनुलहक स्टेडियम में भाई। और भाई उस मोइनुलहक स्टेडियम का भाई आज स्थिति देख लीजिए भाई यार, यहाँ पे भाई एक यार गली क्रिकेटर होता है ना भाई, वो भी खेलने के लायक नहीं दोस्तों। लेकिन भाई कैसे यार बिहार का भाई यार कुछ क्रिकेटर से यहाँ पे भाई मुंबई का और बिहार का भाई मैच खेल लिया यार। स्थिति तो यार मोइनुलहक स्टेडियम का भाई एकदम बद से बदतर है भाई यार। हमारे बिहार में भाई जनसंख्या है 13 करोड़ भाई। अगर 13 करोड़ में भाई यार सब भी यार 10-10 रुपए इन्वेस्ट कर देते ना उस स्टेडियम में, तो यार वो स्टेडियम भाई आज यार हमारे लखनऊ के इकाने स्टेडियम के बराबर होता है यार। अगर भाई यहाँ के भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर उस स्टेडियम पे भाई ध्यान देते तो भाई यार मोइनुलहक स्टेडियम भाई आज भाई कानपुर को टक्कर दे देता भाई यार, हर जगह का टक्कर दे देता दोस्तों। हर राज्य में भाई 5-5, 6-6 स्टेडियम है भाई। यूपी में बता देते तो भाई लखनऊ में एक स्टेडियम है भाई, कानपुर में स्टेडियम है दोस्तों, बनारस में यार अब बीसीसीआई बना रहा है भाई, 2500 करोड़ इन्वेस्ट है बनारस में कर रहा है दोस्तों यार भाई। फिर यार सवाई मानसिंह स्टेडियम है दोस्तों, जो कि भाई मुलायम सिंह की सरकार में बना था दोस्तों, मुलायम सिंह ने भाई अपने बर्थडे पे बनवाया था दोस्तों। और भाई बात करें तो भाई यार फरीदाबाद में स्टेडियम है भाई, फैजाबाद में स्टेडियम है दोस्तों, और बिहार में भाई यार एक स्टेडियम है वो भी यार वहाँ पे भाई भैंस चढ़ता है, बकरी उकरी चढ़ता है यार। बिहार के यार काहे में कुछ प्लेयर भाई बाहर जाके खेलते हैं भाई, यहाँ पे ना स्टेडियम फैसिलिटी है, ऊपर से भाई बीसीए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो कि भाई यार पूरे 27 साल भाई बैन था भाई, इस साल भाई बीसीसीआई ने भाई छूट दे बीसीए को भाई आप डोमेस्टिक मैच कराइए। और भाई हमारे बिहार के भाई पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्रिकेटर यहां से निकले चाहे ना निकले, चाहे बाहर जाके खेले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। वो बस यार अपना कुर्सी चमकाएंगे, बस मेरा कुर्सी बचे रहे भाई मुख्यमंत्री का चाहे कोई भी पद का यार। बिहार के कुछ प्लेयर्स भाई काहे यार भाई बाहर जाके खेलते हैं ना, यहां पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं, ना नेट प्रैक्टिस है कुछ भी, एक रत्ती भर का फैसिलिटी नहीं कि यार बिहार के क्रिकेटर यहां आके खेले भाई। अगर यहां पे भाई टैलेंट भी है ना तो वो टैलेंट यार बाहर जाके दिखाया जाता दोस्तों, बिहार में नहीं दिखाया जाता भाई यार। अच्छे अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन बॉलर भाई बाहर से खेलते हैं भाई, बिहार से नहीं खेलते दोस्तों। गोवा जो कि भाई भारत का सबसे छोटा राज्य है भाई, वहां पे यार 2-2 स्टेडियम है भाई यार। और बिहार जो कि भाई पॉपुलेशन के मामले में भाई भारत का दूसरा सबसे यार बड़ा राज्य है दोस्तों, पहला यूपी है तो दूसरा भाई बिहार है यार। बिहार में भाई एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है यार। लेकिन खुशखबरी ये है कि भाई बिहार और छत्तीसगढ़ का भाई जो मैच हो रहा था ना भाई यार मोइनुलहक स्टेडियम में यार, उसमें भाई यार हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आए थे, तो यार स्टेडियम का कंडीशन देख के उनको भाई बहुत बेकार लगा भाई, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई ना भाई, क्योंकि भाई वहां अजिंक्य रहाणे खेलने आए भाई, शिवम दुबे खेलने आए भाई, सरफराज अहमद खेलने आए भाई, धवन कुलकर्णी खेलने आए, तो भाई ये लोग सोचेंगे कि भाई साला यार इतना घटिया स्टेडियम तो भाई हमारे यार नवी मुंबई में नहीं है यार, हमारे यार भाई आजाद मैदान नहीं है भाई, आजाद मैदान यार इससे अच्छा भाई जो मुंबई का भाई ऑफिशियल ग्राउंड है दोस्तों, जहां पे भाई कोई भी पब्लिक जाके खेल सकता है भाई। जैसे भाई बिहार में गांधी मैदान है वैसे ही भाई आजाद मैदान है बॉम्बे का है दोस्तों, तो भाई आजाद मैदान भाई यार यहाँ पे मोइनुलहक स्टेडियम से भाई बेहतरीन है दोस्तों, यहाँ मोइनुलहक स्टेडियम की हालत एकदम खराब है। तो वही यार तेजस्वी यादव ने भाई ट्विटर पे ट्वीट करके कहा कि भाई स्टेडियम का अब कंडीशन सुधरेगा दोस्तों, अब देखना ये है कि भाई यार कब सुधरेगा, आने वाले 5 साल में सुधर जाए तो भाई बहुत बड़ी बात है भाई बिहार के लिए। आप लोग को जानकारी के अनुसार बता दो भाई यार तेजस्वी यादव भी यार एक डोमेस्टिक मैच खेल चुके हैं दोस्तों भाई यार, वो दिल्ली के साथ यार दिल्ली से वो खेलते थे भाई, ना कि भाई वो बिहार से खेलते थे भाई, बिहार से बिलोंग करते हैं भाई, लालू यादव जी के बेटे हैं, लेकिन भाई वो दिल्ली से खेलने के भाई बिहार से नहीं खेला भाई। उनको यार पहले स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था यार, तेजस्वी यादव जी भाई विराट कोहली का भाई कप्तानी कर चुके दोस्तों, सोचने वाली बात है वो विराट कोहली, क्योंकि भाई यार दुनिया क्रिकेट में भाई अब राज करते हैं दोस्तों। लेकिन इधर भाई तेजस्वी यादव भाई अपना पॉलिटिक्स में आ गए, उधर विराट कोहली भाई क्रिकेट में फोकस किए, तो भाई वो क्रिकेट में निकल गए, उनके सामने भाई 7 सितारे फेल भाई विराट कोहली के सामने भाई, आस पास भी उनके सामने कोई नहीं है, तो भाई विराट और तेजस्वी का भाई कंपेयर नहीं कर रहे दोस्तों, बस यही कह रहे हैं कि भाई बिहार में यार एक इंटरनेशनल स्टेडियम दे दिया जाए यार। अगर कोई चाह जाए ना तो नीतीश कुमार जी चाह जाए तो आज के आज इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाएगा, लेकिन भाई कोई चाहता ही नहीं कि भाई इंटरनेशनल स्टेडियम बने यार। यार ईशान किशन भी चाह जाए तो भाई वो इंटरनेशनल स्टेडियम भाई बिहार में बनवा सकते हैं, क्योंकि भाई उनका तो भाई बीसीसीआई से भाई अच्छा खासा जान पहचान है, रोहित शर्मा से है ही भाई, विराट कोहली से है ही भाई, तो यार वो अगर थोड़ा सा भी यार कह दे कि भाई बिहार में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया जाए तो भाई बीसीसीआई पक्का है भाई पास कर देगा दोस्तों, क्योंकि भाई बिहार में यार फैंस बहुत है भाई क्रिकेट के यार, बिहारी को क्रिकेट भाई बहुत अच्छा लगता है भाई यार। हम लोग भाई यार ठंडी हो चाहे गर्मी हो भाई ऐसा कोई मैच दिन नहीं रहता, ऐसा कोई समय नहीं रहता कि भाई यार हम लोग भाई क्रिकेट ना खेले हो।
365 के 365 दिन भाई मेरा रिकॉर्ड है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ दोस्तों। भाई मैं भी बिहार से ना हूँ, लेकिन भाई यार हालत इतना ख़राब है ना कि कोई यार बिहार से भाई स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता दोस्तों। भाई एकदम बिहार के क्रिकेट का यार हालत ख़राब है, ऊपर से भाई मोइनुल्लक स्टेडियम का। यार हम बात मोइनुल्लक स्टेडियम की क्यों कर रहे हैं कि भाई यार छत्तीसगढ़ का मैच वहाँ पे हुआ भाई, मुंबई का मैच हुआ भाई, और एक और मैच होगा दोस्तों। तो बिहार के यार भाई स्टेडियम की भाई स्थिति तो एकदम ख़राब है, तो भाई कोई भी प्लेयर आता तो भाई यार उसको भाई जलील ही ना करेगा यार। और भाई ऐसे बिहार भाई पूरे भारत में यार फेमस है भाई जलील होने के लिए दोस्तों। पाकिस्तान के भाई यार रिपोर्टर्स सब यार बिहार की भाई बेइज्जती करती है भाई स्टेडियम देख के यार, मोइनुल्लक स्टेडियम यार। सोचने वाली बात है भाई, पाकिस्तान के रिपोर्टर यार भारत को तो छोड़ दो भाई, पाकिस्तानी भाई यहाँ भाई बिहार को भाई बेइज्जत करे तो भाई हम लोग को भाई बहुत खराब लगता है यार। फेसबुक पे है दोस्तों भाई मोहम्मद फुरकान भट्टी, उन्होंने भाई यार भाई बिहार का भाई बेइज्जती किया भाई, मोइनुल्लक स्टेडियम का बेइज्जती किया यार। तब यार भाई मैं जाके मोइनुल्लक स्टेडियम का भाई वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मेरे को तो भाई बहुत खराब लगा भाई। मैं कहूँ तो कहूँ क्या, उनको गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि भाई उन्होंने भाई एकदम फैक्ट वाली बात कही, जो जो उन्होंने भाई मोइनुल्लक स्टेडियम के बारे में कहा एकदम 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 सही बात बोला दोस्तों उन्होंने। लेकिन भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहे यार उप मुख्यमंत्री को कुछ सूझे तब ना भाई यार, कुछ ट्विटर पर तो ट्वीट कर दिया कि स्टेडियम का भाई उद्घाटन होगा भाई 2 साल में 3 साल में, लेकिन भाई वो भी हो जाए तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई माननीय मुख्यमंत्री ने भाई ऐसा वादा भाई सैकड़ों किया दोस्तों, सैकड़ों में भाई एक भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है भाई। 2005 से भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है दोस्तों, 2005 से सोचने वाली बात है भाई, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टेडियम भाई क्रिकेट का नहीं दिला पाया यार। देखिए कि भाई यार योगी जी भाई यार जब आए भाई यूपी में तो भाई उन्होंने भाई आईपीएल टीम दिलवा दिया भाई, स्टेडियम इकाना स्टेडियम भाई पूरा कंप्लीट कराया भाई, आधा कंप्लीट तो अखिलेश यादव ने कराया तो पूरा यार स्टेडियम यार योगी सरकार ने कराया दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि भाई आईपीएल टीम देना भाई यार लखनऊ सुपर जायंट भाई, अब लखनऊ की भाई ऑफिशियल टीम हो चुकी है भाई। उसी तरह भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई पटना पायरेट्स एक टीम हो कबड्डी की जिस तरह है ना भाई, उसी तरह भाई यार क्रिकेट की भी हो यार, क्योंकि भाई क्रिकेट फैंस यार भाई बिहार में भाई भरे पर 13 करोड़ जनसंख्या है, तो भाई 8 करोड़ तो पक्का है भाई क्रिकेट देखती ही देखती है भाई। क्रिकेट यार हम लोग के भाई रगों में बसता है भाई यार, बिहार फैंस हो चाहे कोई भी क्रिकेटर हो यार, चाहे कोई भी भारत का राज्य हो भाई, हर आदमी के भाई रगों में भाई क्रिकेट बसता है। ऐसा कोई बंदा नहीं होता होगा जो भाई क्रिकेट न खेला हुआ अपने लाइफ में यार। मोइनुल्लक स्टेडियम का भाई यार हालत देख के भाई एकदम बेकार लगता है भाई। अभी मुंबई और बिहार का मैच हो रहा है भाई, उसमें टिकट एकदम फ्री था भाई, एक भी यार भाई टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा था भाई, कोई आके भाई मैच देख रहा था भाई, बहुत अच्छा लगा भाई। लेकिन भाई स्टेडियम पे भाई जो बेंच होता है ना उसकी हालत एकदम खराब थी भाई, वहां पे भाई घास जमे हुए थे भाई यार, पेड़ जमा हुआ था दोस्तों, जंगल झाड़ था भाई, सांप का डर, बिच्छू का डर भाई, हर चीज का डर था। तब भी भाई हम लोग यार फैंस देखने आए दोस्तों भाई मोइनुल्लक स्टेडियम में भाई 10,000+ भाई मैच देखने आए भाई ये पहले दिन का यार नोटिस किया गया। तो भाई तो सोच लीजिए भाई अगर एमएस धोनी आ जाएंगे, विराट कोहली आ जाएंगे मोइनुल्लक स्टेडियम में, तो भाई यार कहां पे भाई हमारा भाई बिहार पहुंच जाएगा दोस्तों। भाई यार वहां तो फैंस पागल हो जाएंगे भाई जब एमएस धोनी आ जाएंगे। तो एमएस धोनी से याद आया भाई झारखंड, जो कि भाई बिहार से अलग हुआ दोस्तों, झारखंड में भाई 2-2 इंटरनेशनल स्टेडियम है भाई, हमारे बिहार में यार भाई एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम ही नहीं है दोस्तों। उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि भाई राजगीर में भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, लेकिन 3 साल से भाई बन रहा है दोस्तों, अभी तक क्या बना ही नहीं है दोस्तों। वहाँ पे भाई रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो भाई रिपोर्टर सब कहते हैं कि भाई यार एक ईंट भी नहीं गड़ा भाई अभी इंटरनेशनल स्टेडियम का भाई, और भाई मुख्यमंत्री भाई सपना दिखा रहे भाई कब से इंटरनेशनल स्टेडियम ही बन रहा है राजगीर में यार। भाई कम से कम यार बीसीए भाई अब यार बैन से हट गया दोस्तों 27 साल बाद यार, फिर यार बीसीसीआई को भाई ध्यान देना ना चाहिए भाई यार बिहार क्रिकेट पर यार। भाई बिहार क्रिकेट भी यार कोई एक जमाने में भाई यार खिलाड़ी अच्छे अच्छे निकालते थे भाई, ईशान किशन को भी देख लीजिए भाई, वो भी हाल फिलहाल निकले दोस्तों भाई। खैर आपको क्या लगता है दोस्तों यार मोइनुल्लक स्टेडियम भाई सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा भाई आने वाले 1-2 साल में यार, आप कमेंट भी जरूर बताएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।